तो ये है GoPro Hero 2018। आज हम इसको हीरो ब्लैक 5 में कन्वर्ट करेंगे सॉफ्टवेयर हैक करके। तो इसे अभी मैंने चार्ज में लगाया है। नेट पे मैंने देखा था कई यूट्यूबर्स ने GoPro Hero को GoPro Hero 5 में कन्वर्ट कर रखा है, लेकिन उन लोगों ने कहीं भी सैंपल वीडियो या सैंपल फ़ोटो वगैरह कुछ नहीं डाल रखा। तो मैं रिस्क लेता हूँ और खुद देखूँगा, अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल रहता है तो इसकी सैंपल वीडियो और फ़ोटो वगैरह मैं डाल दूँगा यूट्यूब पे। अगर आपको सही लगता है तो आप भी GoPro Hero को Hero 5 में चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए ये मैंने डाउनलोड किया है अपडेट नाम का फोल्डर, जिसको अनजिप किया है तो हमें मिला है इसके अंदर ये कुछ फाइल्स। तो हमें क्या करना है, GoPro का मेमोरी कार्ड निकालना है और उसके अंदर ये अपडेट फोल्डर केवल कॉपी कर देना है डायरेक्ट। और फिर इस मेमोरी कार्ड को हम लगाएंगे GoPro के अंदर, फिर जैसे इसको ऑन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर अपडेट में चल जाएगा, वो अपडेट हो जाएगा। तो देखते हैं, पहले कॉपी कर लेते हैं डेटा, फिर इसमें डाल के देखते हैं क्या प्रोसेस रहती है आगे। हाँ, प्रोसेस देखने से पहले कई लोग बोलेंगे कि ये GoPro Hero नहीं है, तो मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ GoPro Hero। और इसके अंदर रेजोल्यूशन है अभी 1080 और 1440 60 FPS, और फील्ड ऑफ व्यू देख लो, वाइड एंगल, मीडियम और नैरो। ठीक है, तो अपडेट करते टाइम पे देखते हैं क्या होता है आगे। इस अपडेट के लिए सबसे पहले बैटरी निकाल देनी है और उसके बाद में इसमें मेमोरी कार्ड इंसर्ट करना है और जो सॉफ्टवेयर है, जो पार्ट है, फाइल है, वो इस सॉफ्ट इसके अंदर है मेमोरी कार्ड के। और इसके बाद में फिर हमें कुछ नहीं करना और सिर्फ बैटरी को डालना है और इसे बंद कर देना है। फिर जो बैक साइड में टच डिस्प्ले है उस पर कुछ नहीं आएगा और फ्रंट में जो होगा इंस्टॉलेशन का पार्ट उस तरीके से आने लग जाएगा, पीछे ब्लैंक रहेगा। और अभी जैसे ये हो रहा है, पहले फर्स्ट फाइल हुआ इसके अंदर इंस्टॉल, अब सेकंड फाइल इंस्टॉल हो रही है, साथ में लाइट्स ब्लिंक करती रहेंगी, ये तीनों जो रेड लाइट्स हैं इनमें से सिर्फ दो ही ब्लिंक करेंगी। क्या वही मेरे को लग रहा है, मेरा वाला अटैक गया, ऐसे नहीं करता ये कभी भी। दोनों फाइल इंस्टॉल हो गई हैं। उसके बाद में यहाँ पे एक राइट का मार्क आ गया और ये जो डिस्प्ले है वो ब्लैंक हो गई, बैक साइड में टच डिस्प्ले भी ब्लैंक है, ऑफ हो गई। अब रिस्टार्ट हुआ, हीरो 5 का आ गया है। अब देखते हैं कि वो फीचर्स में आए कि नहीं आए, कौन कौन से फीचर्स आए। अपडेट फिनिश होने के बाद में हमने चेक किया, इसमें कुछ ऑप्शंस एक्स्ट्रा आ गए हैं। तो इसमें पहला है रेजोल्यूशन वाला, उसके अंदर कुछ ऑप्शंस एक्स्ट्रा आ गए हैं, 4K वगैरह जो भी आपको दिख रहा है, ये मेन्यू पहले होती नहीं थी इसमें, अब आ गई है। इसके अलावा हमें GPS जो है स्टार्ट हो गया है, ऊपर दिखा रहा है जो, और उसके अलावा इसमें पहले वाइड आता था और अब सुपर व्यू का ऑप्शन भी आ गया है। सुपर व्यू में वाइड से भी एक्स्ट्रा हमें सुपर वाइड मिला है और उसके अलावा एक 60 FPS 240 FPS का ऑप्शन भी मिला है, आ गया है इसके अंदर, जो 720 पे काम करेगा। अभी 1080 है, 720 पे 240 वाला भी एक्टिवेट हो जाएगा और स्लो मोशन वीडियो में मिल जाएगी। तो हमने इस वीडियो के अंदर
गोप्रो हीरो 2018 को गोप्रो हीरो 5 में चेंज कर दिया है, जो भी सॉफ्टवेयर पार्ट था इसका। थैंक यू।